बादलों में जादुई दो सैंडल घर। झुनझुनपुर गांव में काव्या अपनी माँ गोमती के साथ रहते थे। पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी गोमती के ऊपर ही थी। घर चलाने के लिए गोमती ने अपने घर पर ही सैंडल बनाने का काम शुरू कर दिया। गोमती बहुत अच्छा सैंडल बनाती थी, लेकिन उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी जिससे वो शहर जाकर उस सैंडलों को अच्छे दामों में बेच पाए। वो घर पर ही लोगों के बहुत ही कम दामों में सैंडल बना दिया करती थी और उसी से किसी तरह उसके घर का गुजारा चलता था। काव्या अभी स्कूल में पढ़ रही थी। काव्या पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वो हर बार अपने क्लास में फर्स्ट आती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक गोमती की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो सैंडल बना रहे थे। ये देखकर काव्या बोली, माँ आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, चलो अब बहुत काम हुआ, अब आप घर में जाकर आराम करो। नहीं बेटी, मुझे ये सैंडल आज ही तैयार करना है, वरना इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, बस ये तो सर्दी जुखाम है, ठीक हो जाएगा। तुम्हारी स्कूल की फीस भी तो भरनी है, तुम तो जानती ही हो ये सैंडल बनाना ही हमारी कमाई का एकमात्र जरिया है। ये कहते हुए गोमती जोर जोर से खांसने लगी। माँ आपकी तबीयत तो ज्यादा खराब है, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने आपसे थोड़ी बहुत सैंडल बनानी सीखी है, अब आप जाकर आराम करिए, बचे हुए काम मैं कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है, तुम उसकी तैयारी करो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी आए। माँ अभी परीक्षा शुरू होने में काफी समय है, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी साथ में और काम भी। मेरी प्यारी माँ अब आप टेंशन मत लो। लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। बेटी कल सेठानी की बेटी का जन्म दिन है, उन्हें सुंदर सा सैंडल बनाकर आज ही देना है, क्या तुम बना पाओगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, आप बस आराम करो, समझ लो सैंडल बन गया, बाकी कोई कमी आएगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। गोमती दवाई खाकर कुछ देर के लिए आराम करने चले जाती है। काव्या लगन से सैंडल बनाने लगती है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद काव्या ने एक बहुत ही सुंदर सैंडल बनाकर तैयार कर ली। जब शाम को सेठानी अपनी बेटी का सैंडल लेने आई, अरे वाह कितना सुंदर सैंडल बना है। काव्या तुम्हारी माँ के हाथ में तो जादू है जादू, मैंने इतना सुंदर सैंडल तो सिर्फ शहर के बड़े बड़े मॉल में ही देखी है। अरे नहीं सेठानी जी, ये सैंडल मैंने नहीं बनाया है, बल्कि मेरी प्यारी बिटिया काव्या ने बनाया है। तुम्हारी बेटी ने वाकई बहुत ही अच्छा सैंडल बनाया है, ये लो सैंडल के पैसे। ये बोलकर सेठानी चली गई, लेकिन उसी दिन से काव्या द्वारा बनाए हुए सैंडलों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव की सभी लड़कियां अब काव्या से ही अपने सैंडल बनाने लगी। काव्या अब दिन में स्कूल जाया करती और देर रात सुंदर सुंदर सैंडल बनाती। सैंडल बनाकर उसे जो भी पैसे मिलते काव्या उसे माँ की दवाई लाती, लेकिन उसकी माँ की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन गोमती अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, पढ़ाई के साथ सुंदर सुंदर सैंडल भी बनाती हो, और जो भी पैसे कमाती हो वो मेरी दवाई में खर्च कर देती हो, लेकिन बेटी अब मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। माँ मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो, आखिर आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। आप चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी आपको शहर के अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊंगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। मेरी बच्ची मेरा अंत समय आ गया है, अब तुम अपना ख्याल रखना, तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की। इतना कहकर गोमती हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ये देखकर काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। माँ पहले पिताजी चले गए और आप भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं अकेली इस दुनिया में क्या करूँगी, माँ वापस आ जाओ। ये कहते हुए काव्या रो रही थी, लेकिन विधि के विधान को कौन मिटा सका है भला, वो तो होकर रहता है।
माँ के गुजर जाने के बाद काव्या बिल्कुल अकेली ही हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद काव्या पहले की तरह ही स्कूल जाने लगी। जब काव्या क्लास में पहुंची तो उसे पता चला परीक्षा शुरू होने से पहले सभी बच्चों को फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर काव्या सोच में पड़ गई। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत पैसे थे वो भी अब खर्च हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। वो ये सोच रही थी तभी वृंदा नाम की एक धनवान औरत उसके घर आई और बोली, मैं शहर से आई हूँ, मेरा नाम वृंदा है। मैंने तुम्हारे द्वारा बनाए गए सैंडलों की खूब चर्चा सुनी है कि तुम बहुत सुंदर सुंदर सैंडल बनाती हो। शहर में मेरे सैंडल की बहुत बड़ी शोरूम है, क्या तुम मेरे लिए सैंडल बनाओगी? पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें मैं बहुत अच्छी कीमत दूंगी। ऐसा करो, तुम मुझे अभी एक हफ्तों में 100 सैंडल तैयार करके दे दो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपको इतनी अच्छी सैंडल बनाकर दूंगी कि आपके दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। गुड, अब मैं चलती हूँ, एक हफ्ते होने के बाद पेमेंट के साथ सैंडल लेने आऊंगी। काव्या बहुत खुश हो जाती है। मेरा एग्जाम भी एक हफ्ते बाद शुरू होने वाला है, तब तक मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं भी एग्जाम दे पाऊंगी। काव्या दिन रात मेहनत करके 100 सैंडल तैयार करती है। काव्या बहुत ही खुश थी। आज वृंदा मैडम तो मेरे सैंडल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी और मुझे इसके अच्छे पैसे भी देंगी। लेकिन बदकिस्मती से काव्या जब कुछ काम से घर से बाहर जाती है तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग जाती है और सारा सैंडल जलकर राख हो जाता है। जब काव्या लौटकर वापस आई तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे, ये क्या अनर्थ हो गया, मेरे घर में आग कैसे लग गई? इतनी मेहनत से बनाए मेरे सारे सैंडल जल गए, अब मैं वृंदा मैडम को क्या जवाब दूंगी? उसी दिन वृंदा काव्या से अपने दिए ऑर्डर लेने आई। काव्या ने रोते हुए वृंदा मैडम को सारी बात बताई, लेकिन वृंदा ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। वाह, क्या अच्छा बहाना है, देखो तुमने मुझसे वादा किया था, अब मुझे कहीं से भी सैंडल बना कर दो। अगर तुमने मुझे सैंडल लाकर नहीं दिया फिर मैं अपने कस्टमर को क्या जवाब दूंगी? मैं उनसे एडवांस भी ले चुकी हूँ। देखो, तुम्हारे चक्कर में मैं अपना लाखों का नुकसान नहीं सह सकती। तुम मुझे अभी 100 सैंडल बना कर दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मुझसे चालाकी करने की तो सोचना भी मत। चलो, मैं तुम्हें 2 दिन का समय और देती हूँ, 2 दिन के अंदर सैंडल बन जाना चाहिए, समझ गई तुम? भोली भाली काव्या वृंदा की बातों से डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिन के अंदर इतने सारे सैंडल बनाकर कहां से देगी। यही सब सोचते सोचते काव्या नदी के किनारे पहुंच गई। वहां उसे सोने की सीढ़ी दिखाई दी जो बादलों में जा रही थी। अरे, ये सीढ़ियां यहां कहां से आ गई? कल तक तो यहां कोई सीढ़ी नहीं थी। काव्या उन सीढ़ियों पर चढ़ गई, तभी वो बादलों में पहुंच गई। वहां उसे 2 सैंडल का घर दिखाई दिया जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले सैंडल घर में से आवाज आई, काव्या तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। काव्या, तुम्हें मेरे घर में उतना ही मिलेगा जितनी की तुम्हारी जरूरत है, और तुम उन पैसों को अपने साथ घर ले जा सकती हो। काव्या ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे जितनी जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं, इसलिए मैं दूसरे जादुई सैंडल के घर में जाना चाहती हूँ। उसके बाद काव्या जैसे ही उस जादुई सैंडल के घर में गई, उसे घर के अंदर ढेर सारे रुपए, सोना, चांदी और खूब सारे सैंडल दिखाई दिए। ये सब देख काव्या हैरानी से बोली, जादुई सैंडल घर? आपने तो कहा था इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा खजाना है। काव्या, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई सीढ़ियाँ बनवाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ,
इसलिए तुम जो भी कुछ यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई सैंडल के घर की बात सुनकर काव्या बहुत खुश हुई और जादुई सैंडल के घर का धन्यवाद करके सुंदर सुंदर सैंडल और पैसे लेकर खुशी खुशी घर लौट गई और वृंदा को उसके पूरे 100 सैंडल दे दिए और स्कूल की फीस भी जमा कर परीक्षा में बैठ गई और इस बार भी वो अपने स्कूल में टॉप की। काव्या ने पढ़ाई के साथ साथ उन पैसों से अपना एक सैंडलों का शोरूम खोला और खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।